इट वॉज संडे टुडे बट देर वॉज नो स्टडी, बिल्कुल भी ना मात्र भी आज स्टडी नहीं हुई। रीज़न ये था कि हमारे जो अंकल हैं उनका कल होना है हर्निया का ऑपरेशन, तो कल का दिन पूरा हमें जाना है, पूरा दिन वहीं हमारा निकलने वाला है। तो फिर आज का दिन आधा तो ऐसे ही निकल गया क्योंकि संडे होता है तो काफ़ी बिजी होता है। हमेशा मैं आपको कहती रहती हूँ कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करिए, ऐसा मत सोचिए कि आधा दिन निकल गया, कुछ काम हो गया इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैरिड लाइफ है, ये चीज़ें तो चलेंगी। तो क्योंकि आधा दिन निकल गया है तो अब हम क्या ही पढ़ लेंगे, ये सोच के आप अपनी स्टडी को बर्बाद मत करा करिए। लेकिन आज मेरे साथ यही घटित हुआ कि दोपहर तक, मतलब 2 बजे तक कोई मेरी स्टडी बिल्कुल हुई नहीं, ये लोग भी लेट उठे तो आज मुझे भी नींद आ गई। और मीन्स 9 बजे के आसपास हम लोग उठे और फिर दिन में आज, क्योंकि कल इडली बनाई थी तो सांभर पड़ा था। जब भी इडली बनती है, चाहे वो रात को बनो या सुबह बनो, नेक्स्ट टाइम जब भी खाना बनना होता है तो डोसा फिक्स है, तो हमें डोसा बनाना था। तो उस चक्कर में थोड़ा सा लेट भी हो गया और हम उठे भी वैसे लेट ही थे। फिर कुछ यूवी के भी कुछ काम हो जाते हैं संडे के दिन काफ़ी, तो वो भी निपटाने होते हैं, उसको ढंग से नहलाना धुलाना। और मशीन भी 2 दिन से ख़राब पड़ी थी, तो हालांकि हाथ से मैंने कपड़े धोए थे लेकिन फिर भी खूब सारे कपड़े हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे हर दूसरे दिन मशीन लगानी होती है कपड़ों के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत होते हैं। इन दोनों के स्कूल के और ऑफिस के कपड़े हो जाते हैं, फिर घर के कपड़े हो जाते हैं, और गर्मी इतनी है कि सुबह शाम दोनों टाइम नहाना होता है तो वो कपड़े हो जाते हैं। तो इस चक्कर में कपड़े इतने थे कि पूरा दिन मेरा कपड़े धोने में निकल गए और अभी भी मशीन चल रही है। ये शाम का टाइम है, आधे से ज़्यादा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या ऐसे दिमाग में आया कि कल का दिन भी ऐसे ही जाने वाला है पूरा दिन, मीन्स क्योंकि हम उनका बीकानेर होने वाला है ऑपरेशन, तो वहाँ जाना है, तो इसका मतलब है कि कल का दिन पूरा चला जाएगा। तो फिर अब आधे दिन में क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ यूज़फुल काम कर लेती हूँ और जितने भी घर के काम हैं जो निपटा के जाने हैं वो सारे कर लेती हूँ, और उसके बाद में ताकि परसों क्या हो, वापस जब मैं स्टडी करने बैठूँ तो घर मुझे साफ़ सुथरा मिले, सारी चीज़ें निपटाई हुई हो तो ठीक रहेगा। तो आधा दिन तो निकल ही गया, तो फिर मैंने आधा दिन भी कामों में ही निकाला आज। अब आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, आपने मुझे कभी भी गॉसिप करते हुए इधर उधर लोगों से बातचीत करते हुए कभी नहीं देखा होगा, एक्सेप्ट कि शाम को ये लोग आते हैं चाय वाय पीते हैं तब हम थोड़ी देर बैठते हैं। लेकिन आज ये जो लेडीज़ वगैरह हैं इन्होंने भी मुझे 1.5 महीने बाद बाहर देखा है खड़े होते हुए, तो सब के सब आ गए। मीन्स हमें बातें करते करते शाम हो गई, पता ही नहीं चला। और बातें ऐसी नहीं थी कि जो घरेलू होती है सास बहू वाली, वो वाली चीज़ें नहीं थी। ये जो लेडीज़ है सारी जॉब करती हैं, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक नर्स है, तो हमारी भी बातें उसी हिसाब की होती है कि भाई आप तैयारी करो अच्छे से, कोई मेड रख लो अगर होता है तो। दे वर सजेस्टिंग मी एंड आई वॉज लिसनिंग टू देम कम्प्लीटली। तो आज उनका दिन था क्योंकि आज मैं इतने दिनों बाद बाहर खड़ी थी। एनीवे, अर्ली मॉर्निंग कल निकलना है तो काम सारे ख़त्म कर रही हूँ मैं। इन दिनों पिछले 15 दिनों से ये हो रहा है कि मैं नाइट में आधे से ज़्यादा बर्तन कर देती हूँ, जो अनइम्पोर्टेंट है उनको मैं पानी से निकाल के धो के सिंक धो के फिर छोड़ देती हूँ, क्योंकि जूठे बर्तन वैसे छोड़े नहीं जाते हैं रात को। तो लेकिन आज मैं सारे के सारे सब कुछ काम कंप्लीट करके ख़त्म करके फिर ही सोऊंगी, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो उस हिसाब से फिर सुबह सुबह काम रह जाता। अब देखिए ये लास्ट बेच है कपड़ों का, ये मुझे अंदर सुखाना पड़ रहा है क्योंकि अब रात को बाहर कपड़े सुखाते नहीं है, तो अब यहाँ पे सुखा रही हूँ। गाइज, आप लोग मुझे बताइएगा आपके साथ ऐसा कभी होता है क्या कि हमें जब ये पता चल जाता है कि अगले 1-2 दिनों पढ़ाई नहीं होने वाली है, हम बहुत बिजी रहने वाले हैं, तो फिर आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। और अमूमन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, जब मुझे कोई मेरा कोई एम होता है फिक्स्ड कि मुझे ये करना ही है इतने समय में, तब मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी जब कभी कभार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, उनको थोड़ा डिले कर देते हैं कि चलिए आज, अब आज आज रहने देते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ह्यूमन नेचर है, होना चाहिए सबके साथ और होता ही होगा। कल मुझे हेयर वॉश करना है इसलिए आज मुझे खुद से मसाज करने की, हेयर मसाज करने की कोई इच्छा नहीं थी, और आज मुझे ये मौका मिला है कि अपने हस्बैंड के हाथों से हेयर मसाज हो रही है, और ये मौका मुझे मेरे बेटे के होने के बाद आज पहली बार मिला है। मीन्स इसके होने से पहले कई बार ऐसा हो जाया करता था कि मैं इनकी चंपी कर देती थी, ये मेरी चंपी कर देती थी। लेकिन गाइस, जन्नत है, आप अपने हस्बैंड के हाथों से कभी ऐसे हेयर मसाज करवा के देखिएगा, मतलब मज़ा ही आ जाता है। क्या उनके हाथों में जादू होता है ना, ऐसा लगता है जैसे आहा बस ये
ऐसे चंपी रोज हम इनसे करवाएं, इनको काम देवें, इनका सारा काम हम कर देवें, लेकिन इनसे ये चंपी वाला काम जरूर हम करवाएं। बहुत मज़ा आता है। आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। एनीवे गाइस, आप अपनी स्टडी मत छोड़िएगा, भले ही एग्ज़ाम अक्टूबर में हो चाहे 2-3 महीने रुक के हो, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम थोड़ा डिले भी होता है तो आपको खुश होना चाहिए कि चलिए और ज़्यादा समय मिला है तो हमें रातें इतनी काली नहीं करनी पड़ेंगी जितनी अभी 2 महीनों में करनी पड़ रही थी। तो कंटिन्यू करिएगा स्टडी। कभी कभी हो जाता है कि हम डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, लेकिन रोज़ ये नहीं चलेगा, इसलिए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय।